समाजवादी पार्टी में जहां सिंबल और पार्टी को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं आज 15 जनवरी को कन्नौज की सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन है, जो सीएम अखिलेश यादव की धर्मपत्नी है। ऐसे में यहां पे तमाम कार्यकर्ता शाम को आए हैं 5 कालिदास मार्ग पर और उनका बर्थडे एक सादगी पूर्ण रूप से मनाए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि क्यों आज ऐसे माहौल में इन लोगों को इतने सादगी में बर्थडे मनाना पड़ रहा है। हाँ, आप बताइए कि कैसे इनका बर्थडे यहाँ पे सोनम जी मना रही हैं। हम लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र यादव जी हैं, बहुत पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और भाभी जी के आशीर्वाद से बड़े बड़े सारे पूरे प्रदेश कार्यकर्ता अति उल्लास के साथ बहुत सादगी से आज हम लोग मानिए श्रीमती डिंपल यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं उनके निवास स्थान के बाहर। और हमें खुशी है डिंपल जी के जो पूरे प्रदेश में जितनी महिला है हमारे उत्तर प्रदेश में आधी आबादी उनको प्रभावित करेंगी और अखिलेश भैया जी के समर्थन में वोट करवाएंगी और इनके चेहरे पे सारी महिला वोट करेंगे, अखिलेश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है जी हजारों साल। क्या वजह है कितनी सादगी से आप लोगों को जन्मदिन मनाना पड़ा, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, आयोजन नहीं हुआ, क्यों ऐसे माहौल में? ऐसा इसलिए है, देख रहे हैं आप लोग नेताजी हम लोग के मार्गदर्शन, हम लोग के राष्ट्रीय नेता हैं और अभी पार्टी में उठापटक चल रही है, जिसके कारण से हम लोग भी दुखी हैं थोड़ी बहुत और जरूरी भाभी जी भी दुखी होंगे शायद इसी कारण से, जो एक होना चाहिए खुशी को खुशी नहीं है। अब अध्यक्ष जी बताएंगे आगे। आप ये बताएं कि ऐसा माहौल है, आप यहाँ 5KD पे आए हैं, क्या आप लोग कार्यक्रम मनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, मुलाकात करने का प्रयास किए हैं सांसद से? देखिए मैं बता दूं, फोन पे बात हुई है, बताई थी, हीरो भैया है और मैं समाजवादी जन समस्या मेले का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी जन समस्या मेला की पूरी कमेटी ने, पूरे परिवार ने माननीय सांसद जी का बहुत ही सादगी से जन्मदिन मनाया है। आप देखते हैं प्रदेश में जन्मदिन और भी मनाए जाते हैं, पूरे देश में आज और भी किसी का जन्मदिन है, वो किस तरह से सोना चांदी पैसा सब इकट्ठा होता है, लेकिन हम सभी लोग उस तरह की व्यवस्थाएं उस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। माननीय सांसद जी हमारी सादगी, उनकी सादगी से ही पूरा देश कायल है। वो जिस तरह से एक मुख्यमंत्री की, जो देश का सबसे बड़ा परिवार है राजनीतिक परिवार, उस ऐसे एक वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद भी वो हमेशा सादगी भरे अंदाज में रहती हैं। जब भी आप कोई गरीब किसान नौजवान या कोई महिला मदद के लिए जाता है उसकी मदद करती हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय सांसद जी अब सिर्फ कन्नौज का नहीं, वो उत्तर भारत की महिलाओं की जो उम्मीद बनकर उभरी हैं सभी का नेतृत्व करें और हम सभी लोग उन्हें बहुत चाहते हैं, हम सब समर्थक हैं, इनके गाने वाले हैं। आप ये बताएं कि पार्टी में जो विवाद चल रहा है, चुनाव का सिंबल फंसा हुआ है, इसमें कल फैसला होने वाला है, इसका क्या असर देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग इसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे, मीडिया भी इसको ये समझ रही है कि नेताजी से माननीय मुख्यमंत्री जी अलग हैं। मैं आपको फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो सीएम साहब की, माननीय अखिलेश यादव की जो जिद है वो उनके विरोध में नहीं है, उनकी सिर्फ इतनी सी जिद है कि उन्होंने जो काम किया है, जो मेहनत की और जिस तरह से पार्टी के भविष्य को लेकर वो काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को, नेताजी को जीत कर देना चाहते हैं। यहाँ पे आज सादगीपूर्ण ढंग से डिंपल यादव का बर्थडे मनाया गया। डिंपल यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद मामला उलझा हुआ, डिंपल यादव जिंदाबाद पे 5KD आवाज पे बैठ के पूरे दिन काम कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरा मैन रवि के साथ नरेंद्र यादव, ETV News लखनऊ। सॉरी बाइक।